और हम बना रहे हैं आज हॉट एंड स्पाइसी फ्राइड विंग। हॉट एंड स्पाइसी फ्राइड विंग्स के लिए हमें 1 किलो चिकन विंग्स चाहिए विद स्किन, और एक विंग के हमने कर लिए हैं 2 टुकड़े। सॉरी, एक्सीडेंट्स डू हैपन। हाँ, ये देखें, ऐसी आती है ना विंग, इसको बीच से आपने आधा कर दिया, ठीक है, 2 विंग कर दिए। अब इसको मुझे मैरिनेट करना है, मिल्क 1 कप, विनेगर 1/4 कप, फ्रेश ट्रीट का लेंगे, उसको हमें बटर मिल्क बनाना है, और पेपरिका लेंगे 1.5 टीस्पून, इटालिया का, और गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, ठीक है, ओके। वन कप से थोड़ा कम लिया है मैंने, ज़ाया होगा, फिकेगा। 3/4 कप मिल्क लिया है, उसमें मैं 1/4 कप डाल रही हूँ वाइट विनेगर फ्रेश स्ट्रीट का, ठीक है, और इसमें मैं शामिल करूँगी पेपरिका पाउडर इटालिया का 1.5 टीस्पून। और हम इसमें डालेंगे गार्लिक पाउडर, वन टीस्पून। इसमें आप अपनी चिकन विंग्स को मैरिनेट कर लें। 1 kg चिकन विंग्स विथ स्किन। ठीक है, ये हो गया, ओके। अब हम क्या करेंगे, स्पाइस मिक्स बनाएंगे इसका। हमें इस रेसिपी के लिए एक मिक्स बनाना है, स्पाइस मिक्स। स्पाइस मिक्स बनाएंगे हम नमक 1 टेबल, इसको भर के रख लीजिएगा, ज़्यादा बनेगा। 1 टेबलस्पून सॉल्ट, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, इटालिया का, गार्लिक अनियन पाउडर 1 टीस्पून, पेपरिका गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून अनियन पाउडर। अस्सलाम वालेकुम फिरोज़ा। अच्छा जी, ये देखें, ये हो गया, हमने चिली पाउडर डालना है अब इसमें 1 टीस्पून, वन टीस्पून चिली पाउडर, इटालिया का ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, क्रश्ड रेड पेपर। ये एक स्पाइस मिक्स बन रहा है इस चिकन के लिए। हाफ टी स्पून क्रश्ड रेड पेपर। अब इसमें जाएगा ऑरिगैनो इटालिया का, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऑरिगैनो 1/2 टीस्पून, ड्राइड बेजल और ड्राइड पार्सले 1/2 टीस्पून। इसको आप सबको मिक्स कर लीजिए। ये आपका स्पाइस मिक्स है जो कि हमें मैदे में मिलाना है। अच्छा, ये मैदा मेरे पास रखा हुआ है 2 कप। इसमें समझ आ रहा है, पहले हमने चिकन को मैरिनेट कर लिया, किससे किया, बटर मिल्क बनाया, 1/3 कप दूध लिया, उसमें 1/4 कप
फ्रेश फीट का वाइट विनेगर डाला, उसके बाद मैंने इसमें पेपरिका डाला 1.5 टीस्पून और गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, इससे आपने इसको मैरिनेट कर लिया। फिर हमने स्पाइस मिक्स मंगाया, स्पाइस मिक्स में नमक 1 टेबलस्पून, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून इटालिया का, अनियन पाउडर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, इटालिया का ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1/2 टीस्पून, ऑरिगैनो इटालिया का 1/2 टीस्पून, ड्राइड बेजल 1/2 टीस्पून, ड्राइड पार्सले 1/2 टीस्पून। ये हो गया। अब थाई चिली सॉस चाहिए, वो हम बाद में डालेंगे, इधर रखी हुई है मेरे पास। अब हमें करना क्या है, मैदे में मैदा मेरे पास यहाँ 2 कप पड़ा हुआ है, इसमें मुझे मिलाना है 1/4 कप कॉर्नफ्लावर। बहुत मज़े की विंग्स बनती हैं, जिनको विंग्स का शौक़ है, जो उनको उनके लिए तो ये ज़बरदस्त है। 1/4 कप मिला लिया हमने इटालिया का बेहतरीन सा कॉर्नफ्लावर, ठीक है, और इसी में हम मिलाएंगे इटालिया का ही बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। फ्रेश स्ट्रीट का भी है बेकिंग पाउडर, लेकिन अब मेरे सामने ये रखा हुआ है। वन टीस्पून बेकिंग पाउडर, और ये जो स्पाइस मिक्स बनाया है ये आपको इस मैदे में मिलाना है 1 टेबलस्पून या 2 टीस्पून। ठीक है, हो गया। ओके, फिर हमें करना क्या है, इसका एग वॉश बनाना है। एग वॉश में हमें डालना है दूध 1/2 कप, हॉट सॉस इटालिया सॉरी फ्रेश स्ट्रीट की 1/4 कप, एग 1, विनेगर 2 टेबलस्पून फ्रेश स्ट्रीट का। ये अभी हम बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच अप्पा, बहुत शुक्रिया। और अपा बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो कल रात से विश कर रहे हैं, अभी स्पेशली नूरजा आंटी ने और इतनी दूर से कॉल की, और अब रंजीता दीदी ने मेरी कॉल की है। थैंक यू सो मच अपा, आशा फारूक का भी, सरोजा का भी। और अपा नया साल शुरू होने को है कल से, और उसमें यही दुआ है कि जितने प्यारे हमारे गुजर गए हैं उनको हम वापस तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनकी मगफरत करके उनको जन्नत में आला से आला मुकाम दे। और जो लोग अपा एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे पास हैं और आप प्लीज उनकी कदर कीजिए, स्पेशली अपने बड़ों की कदर कीजिए, क्योंकि जब ये चले जाते हैं तो भी ये वापस नहीं आएंगे। तो जितना अरसा उनको अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है उनसे प्यार मोहब्बत उनकी केयर करें और उनसे बहुत बहुत उनका ख्याल रखें। बहुत बिल्कुल सही बात बेटा, थैंक यू सो मच बेटा, जीते रहो खुश रहो। अच्छा अब देखें, आप घबराइए नहीं, ठीक है, इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, ठीक है। अब देखें, हमने पहला मैरिनेशन किया, दूसरा हमने इसका ड्राई मिक्सचर बना लिया, इसमें सीजनिंग्स डाल दी स्पाइस मिक्स के साथ। अब हम इसका एग वॉश बना रहे हैं। एग वॉश के लिए हमें 1 अंडा चाहिए। हम ये कढ़ाई को यहाँ डीप फ्राई करने के लिए हम तेल को भी रख देते हैं गरम करने, ठीक है। हमने 1 अंडा लिया, 1 अंडे में हमें दूध डालना है, क्वार्टर से 1/2 कप आप दूध डाल दीजिए। फिर इसमें हम डालेंगे फ्रेश स्ट्रीट का विनेगर 2 टेबलस्पून और फ्रेश स्ट्रीट की हॉट सॉस 1/4 कप जितनी, एटलीस्ट 3 to 4 टेबलस्पून, ठीक है। अब इसको हमें फेंटना है। अब ब्रेक आने से पहले आप ये देख लो मैं क्या कर रही हूँ। एक मिनट बेटा,
देखें करना क्या है आपको, आपने विंग्स ली, ठीक है। विंग्स लेने के बाद आपको विंग्स को मैदे में डिप करना है, फिर अंडे वाले मिक्सचर में, फिर इसमें और कढ़ाई में। ये हम यहाँ पे कर रहे हैं, आप एक देखते हुए चले जाओ, जब तक आप लोग ब्रेक लेके आओ, फिर आके इसका ग्लेज बनेगा, ठीक है। ये एक देख लिया आपने, इस तरह से दबा दबा के मिलते हैं आपसे, ब्रेक्स बनाएंगे। इसके लिए हमें लूरपाक का मक्खन चाहिए, वन आउंस। ये है मेरे पास अनसॉल्टेड, सॉल्टेड भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, ठीक है। अब आप देखें ये कैसी बनेगी ग्लेज। अच्छा, अब मुझे इसमें डालना है सारी इंग्रेडिएंट्स जो ग्लेज के नीचे लिखे हुए हैं। सब में पहले जाएगी इसमें डायनामाइट सॉस, हॉट एंड स्पाइसी ग्लेज के लिए 1/4 कप, मैंने 1/2 कप डाली है। इसलिए 1/2 कप डाली है कि मेरी विंग्स ज़्यादा है, 1 किलो है ना। मैंने ज़रा सा उसको बंद कर दिया है सॉस को, ऐसा ना हो कि फिर वो लग जाए। अच्छा फ्राई कीजिए। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम जी, फरमाइए जी। आपका क्या हाल है? ठीक है। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका शो आज मिस हो गया मेरे से, तो मैंने पूछना था आज का सवाल। आज का कोई सवाल नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अच्छा, अब हम सॉस पे आ रहे हैं। हमने 1/4 कप से कम 2 टेबलस्पून तेल लिया, 1 आउंस हमने बटर लिया, उसमें 1/2 कप मैंने फ्रेश शीट की डायनामाइट सॉस डाल दी। फिर मैं इसमें डालूँगी ये वाला प्रिपेयर्ड स्पाइस मिक्स 1 टीस्पून, ठीक है। फिर मैं इसमें डालूँगी पैप्रिका 1/2 टीस्पून, ये चला गया। ब्राउन शुगर 2 टेबलस्पून, ये चला गया। फिर मैं इसमें शामिल करूँगी चिली पाउडर 1/2 टीस्पून,
और थोड़ा सा कि ये हमारी सॉस हो गई है, बंद कर दें चूल्हा और मैं इसमें ये भी डालूंगी थोड़ा सा थाई चिली सॉस। आपको याद है ऊपर लिखी थी मैंने, कहा था बाद में डालूंगी क्वार्टर कप। बस ये हमारी बेहतरीन सा ग्लेज रेडी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हैं? अल्लाह का बहुत एहसान, शुक्र मेरे मालिक का। आपको, आपकी पूरी टीम को जुम्मा मुबारक, खैर मुबारक और नया साल मुबारक। अल्लाह ताला खैर तबीयत का साल दे, खुशियों का साल दे सबके लिए। आमीन आमीन सुम आमीन जी। और आपका फारूक भाई का बर्थडे तो उसके लिए भी विश करना है। करिए मेरी तरफ जी, मेरी तरफ से फारूक भाई को सालगिरह मुबारक हो। अल्लाह ताला उनकी भी, उनको भी जिंदगी और सेहत दे और उनकी जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। आमीन आमीन। थैंक यू मेरा को भी मेरी तरफ से विश कर दीजिएगा नया साल। ठीक है मैं जरूर जी। और आपा मैंने आपको बताना था कि मैंने आपके जो है टमाटर वाले पीस कबाब बनाए थे। कैसे बने? और